पीछे दिख रहा है ना, पीछे इसको खड़कवासला डैम बोलते हैं। और काफ़ी दिनों बाद हमने आज अपना ब्लॉग शुरू किया है। ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था ऑफिस से, दैट्स व्हाई कि इतना दिन से मैं ब्लॉग अपना शूट नहीं कर पा रहा था। बट कोई नहीं, आज मैं जो दिखाने वाला हूँ काफ़ी मज़ेदार चीज़ें होने वाली है। हमारे पीछे आपको दिख भी रहा होगा, ये महाराष्ट्र का डैम है जिसको हम लोग खड़कवासला डैम के नाम से जानते हैं। बेसिकली इस डैम का क्या है कि ये बारिश का पानी है, ये कोई नदी नहीं है, ना ही समंदर का पानी है, ये मेनली बारिश का पानी है। और ये जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है यहाँ से पानी फिल्टर करके सप्लाई होती है, जो हमारे बिल्डिंग्स में, घरों में यूज होता है। बिकॉज यू नो कि महाराष्ट्र में पानी का थोड़ा सा इशू है, क्योंकि ये सारी पहाड़ी इलाका है। और हमारे पीछे देख रहे हो काफ़ी बेहतर चीज़ है यहाँ पे लोगों को खाने के लिए, बैठने के लिए, और यहाँ पे लोग आते हैं वीकेंड मनाने अपने, काफ़ी चीज़ें। तो बाकी मैं दिखाता हूँ आपको आगे चल के क्या क्या है यहाँ पे। डैम है ना रोड के ठीक साइड से ही दिखता है और काफ़ी नियर बाई है सिटी से। आई थिंक हमको लगता है कि मेन सिटी से 5 से 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेंज में ही होगा। और यहाँ से अभी हम चलते हैं नीचे पानी की तरफ और अंदर चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से लोग आए हैं यहाँ पे आज घूमने के लिए। मिलवाते हैं काफ़ी सारे लोग से। भाई साहब ये ऊँट रेगिस्तान तो नहीं है, पर यहाँ पे भी ऊँट रखा गया है इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। फैमिली आती है, बच्चे आते हैं, उनको घूमते घूमते हमारे कुछ मित्र लोग आए हैं, देखिए महानुभाव लोग, रंजीत जी और ये हमारे भाई साहब, क्या नाम है, आशीष भाई साहब, सौरभ भाई साहब मिले। यहाँ पे काफ़ी पब्लिक भी है, दोस्त लोग मज़े ले रहे हैं यहाँ पे। मौसम भाई संडे को लेकर के काफ़ी क्राउड आ चुका है, जैसे जैसे शाम होगा ना भाई वैसे वैसे क्राउड बढ़ते जाता है यहाँ पे। अभी देख रहे हो जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे थोड़ी देर पहले, उससे थोड़े से आगे ही प्लेस है जहाँ तो और काफ़ी क्राउड होता है, वहीं पर जा रहे थे अभी हम लोग। ये देखो कैसे रोड जाम हुआ है भाई, सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू वीकेंड। हम लोग दूसरे छोर पे पहुंच गए, इतना घूमने के बाद मिलनी देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। फाइनली बस ये डैम है जो रोड के साइड में है, यहाँ पे भुट्टा वगैरह मिल जाता है, इसकी वजह से लोग यहाँ पे आते हैं, थोड़ा टाइम पास करने का मौका मिल जाता है यहाँ पे। और मैं आप लोगों को भी ऐसा दिख रहा होगा यहाँ पे ऐसा कुछ खास चीज़ें हैं नहीं यार, पर हाँ शहर में लोगों के लिए यही चीज़ टाइम पास करने के लिए होता है। हमारे गांव घर में भाई तो कितना नदी पोखरा ऐसे ही, वहाँ कोई तो पूछता ही नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहता है। पर एक छोटा सा हमारे गांव के मेला की तरह है ये भाई, यही आप समझ सकते हो, जहाँ लोग आते हैं टाइम पास करते हैं और मज़े से इंजॉय करके घर पे जाते हैं। लोग यही देखने आते हैं ना कि पनिया गाँव के पोखरा पर कभी मिले नहीं है, पानी देखेगा तो इतना भीड़ लगा हुआ। बिहू का मज़ा लेते हैं, जो देखने आए देखते हैं। हम मार्केट में दिखाई रहे भाई, मार्केट में ऐसा है क्या यार, भुट्टा और कुछ वेफर से यार। देखने दिखाने के लिए कुछ है नहीं, बस पब्लिक छोड़ के यहाँ पे मिली, ठीक है टाइम पास करने का बेहतर जरिया यार, और क्या ही कह सकते हैं, सुकूनदायक जगह है। लोग की भीड़ के वजह से फेमस है, प्रचलित है। इन लोग यहाँ पे आते हैं ना इसी व्यू के लिए, मस्त यहाँ पे नदी किनारे बैठ जाओ, भुट्टा ले लो, कुछ भूजा ले लो और बैठ के खाते रहो और देखते रहो नेचर को, बस इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं। पर इतनी पब्लिक है ना भाई, मज़ा आ जाता है यहाँ पे आओगे तो। क्या दोस्त, क्या हाल चाल, मज़े आ रहे हैं भाई? वो भी टाइम था यार जब कॉलेज के दिनों में आए थे ना भाई। भाई जाने दे, कपड़े खोल के कूद गए थे। अरे वहाँ
अपना कुल्लड़ वाला कहाँ गया? हो रहा तंदूर चाह, ये मैं उसी की बात कर रहा था, उसी का इंटरव्यू लेते हैं भाई दिन में तंदूर चाय वाला का। हम लोग यही चाय पियेंगे और अपने वीडियो को वाइंड अप करेंगे यहीं पे। भाई साहब एक हमारे पहुँचे हुए हैं पहले से भाई, तो ये अपना तंदूर चाय मेकिंग प्रोसेस मैंने सिखाते हैं तंदूर चाय भाई। ये अपना तंदूर चाय का मेकिंग प्रोसेस देखो, ठंडी तंदूर चाय ऐसे ही बनाया जाता है, मटके को आग में गर्म करके। ये है भाई इतनी प्यारी तंदूर रेडी में और भी अभी भैया करने इसको ही गाय तंदूर चाय बोलते हैं। गाय को बना करके उसमें मिट्टी का जो बर्तन होता है आग गर्म करके, और वहाँ पे देखो पीछे दिख रहा होगा भैया के पीछे जो गर्म कर रहे हैं। भैया पाँच हमें भी दे दो। इसमें कूलर को गर्म किया जाता है तब उसमें डाला जाता है ना। हाँ भाई हमारा तंदूर चाय मेकिंग प्रोसेस का वीडियो, और फाइनली यहीं पे अपना वीडियो एंड अप करेंगे। बाकी इस जगह पे दिखाने के लिए कुछ खास है नहीं, तो मिलते हैं फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में यार। अभी तो बारिश का मौसम शुरू हो गया और घूमने के लिए काफ़ी जगह है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्त।